अनुराग शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, मृतक का साथी छत्रपाल यादव, दो शूटर समेत चार गिरफ्तार, पुलिस टीम को 20,000 का इनाम। पुलिस अधीक्षक रामपुर में ज्वालानगर आगापुर निवासी अनुराग शर्मा हत्याकांड का किया पर्दाफाश, चार गिरफ्तार, करीबी साथी छत्रपाल यादव गिरोह की कमान अपने हाथों में लेने के लिए रची थी हत्या की साजिश, और इसके लिए अनुराग से अपने पिता की हत्या का बदला लेने को चतुर ज्वालानगर गड्ढा कॉलोनी निवासी बाबू उर्फ हिमांशु को हत्या करने के लिए उकसाया, शूटरों को बाइक असलाह उपलब्ध कराए, लोकेशन हत्या का दिन समय व तय किया, वारदात के बाद गोली लगे जख्मी अनुराग शर्मा को उपचार कराने का नाटक किया, छत्रपाल यादव ने अपने ऊपर से पुलिस का ध्यान हटाने के लिए हत्याकांड के दो दिन बाद अपने ऊपर जानलेवा हमले की फर्जी FIR दर्ज कराई। छत्रपाल सिंह के घर से हत्या में प्रयुक्त की गई एक पिस्टल, 32 बोर 5 कारतूस, जिंदा 32 बोर 2 तमंचे, 315 बोर 4 कारतूस जिंदा, 315 बोर 2 खोखा कारतूस, 315 बोर तथा एक मोटरसाइकिल CT 100 बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता बाबू उर्फ हिमांशु पुत्र हेमंत उर्फ हेमेंद्र निवासी गड्ढा कॉलोनी ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर, राजकिशोर उर्फ दुरिया पुत्र राजवीर निवासी नूर महल कॉलोनी थाना सिविल लाइन रामपुर, छत्रपाल सिंह पुत्र रतनलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी आगापुर रोड ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर, पवन पुत्र रतनलाल निवासी दुर्गा कॉलोनी आगापुर रोड ज्वालानगर थाना सिविल लाइन रामपुर। पहले अनुराग शर्मा जो शिवसेना प्रमुख थे उनकी हत्या की गई थी, क्या खुलासा किया है, किन आरोपियों को पकड़ा है? 20 तारीख की रात को करीब 8:30 बजे अनुराग शर्मा की हत्या हुई। इसमें हमने प्रॉपर FIR दर्ज करके मुकदमा लिखा था। उसमें आज सुबह हमने दो शूटरों को अरेस्ट किया, उनके नाम बाबू और राजकिशोर हैं। शूटरों ने अपना जुर्म कबूला, फिर हमें बताया कि इसने षड्यंत्र रचा था। उनके बयानों के आधार पर और बाकी सबूतों के आधार पर हमने छत्रपाल नाम के व्यक्ति और उसके भाई पवन को अरेस्ट किया। उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था और इन शूटरों को हायर किया था, इनको फायरआर्म्स उपलब्ध कराए थे, मोटर बाइक उपलब्ध कराई थी और पूरा प्लान करके दिया था कि किस टाइम कहाँ मारना है और उसके बाद इनको कैसे बचाना है, पूरा प्लान करके पूरा प्लान किया। तो क्या कारण बताया इन्होंने कि किस कारण इन्होंने हत्या की थी? इसमें जो शूटर्स थे उनके अपनी रंजिश थी अनुराग शर्मा जी से, पुराना मुकदमा चला आ रहा था, हत्याओं के मुकदमे चले आ रहे थे आपस में। उसमें जो पहला शूटर था बाबू, उसका मानना था कि उसके फादर की हत्या में अनुराग शर्मा जी का हाथ है, और जो आदमी जो मेन अक्यूज था उस मुकदमे में वो उनके घर पर उनके साथ रहता था, तो उसको इस बात से भी बहुत सुंदर थी कि मेन आदमी जो उसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व है उसको भी अनुराग शर्मा जी रखे हुए हैं। उसका यह मानना था कि इन दोनों ने मिलकर उसके फादर की हत्या की, तो वो बदला लेना चाहता था। तो इसमें क्या जो इसका पूरे जो प्लान था हत्याकांड का, इसका मास्टरमाइंड कौन? मास्टरमाइंड छत्रपाल थे, छत्रपाल ने पूरा प्लान किया, छत्रपाल ने ही आम सप्लाई किए, छत्रपाल ने ही मोटरबाइक सप्लाई की, छत्रपाल ने ही टाइम डिसाइड किया, डेट डिसाइड की किस दिन मर्डर होगा, और छत्रपाल ने ही इनको बचाने के लिए एक फर्जी FIR भी लिखवाई थी जिसमें उसने अपने दुश्मनों का नाम डाला ताकि ये लोग मिसगाइड होकर परिवार वाले और पुलिस वाले उनको पकड़ लें। ये मास्टरमाइंड छत्रपाल है, क्या ये इनके बहुत करीबी थे अनुराग शर्मा जी? ये जो अभी पूछताछ में समझ में आया ये उनके साथ ही रहते थे, उनके लिए काम भी करते थे और उनकी सारी जो भी व्यवसायिक गतिविधियाँ थी या जो पारिवारिक गतिविधियाँ थी वो भी इनको नोन थी। क्या ये कारण क्या था, इसके पीछे का कारण क्या? कारण ये था कि ये उनको मार के उनके व्यवसायिक गतिविधियों पर कब्जा करना चाहते थे। छत्रपाल यादव के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, लाखों कर्जा था जिसको वो अदा नहीं कर पा रहे थे। अनुराग शर्मा जी क्योंकि एक नॉन पर्सनैलिटी थे इस एरिए के, तो वो इन पर प्रेशर डालते थे कि गरीब लोगों का या जिनका पैसा आपने दबा रखा है उसे वापस कर दीजिए। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं इन्हें मार दूँ तो मारने से वो कर्जा भी नहीं देना पड़ेगा और जो व्यवसाय है उसमें मैं कब्जा करके पैसा भी कमाने लूँगा। तो इनका डबल प्रोंग इनका मोटिव था। इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए? 4 लोग टोटल अरेस्ट हुए। क्या ये बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से जो दो आलाय कतल थे, 2 315 बोर के तमंचे वो बरामद हो गए, और जो छत्रपाल यादव ने फर्जी FIR लिखवाई थी अपने पर शूटिंग की उसमें पिस्टल के जो राउंड उसने दिखाए थे वो पिस्टल भी रिकवर हो गए। क्या ये छत्रपाल यादव जो है किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? इस संबंध में अभी हमारी कोई जांच नहीं हुई है। क्या इनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है? अभी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।